हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आज की इस रीडिंग में आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपसे आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग की जा रही है, तो किसी एक व्यक्ति को लेकर रीडिंग नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट ना हो, कुछ हो कुछ ना हो, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको इस रीडिंग को देखते वक्त। तो जो बातें आपसे रेजोनेट उन्हें रखें, क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल लिंक अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर राइट नाउ क्या चल रहा है। ये रीडिंग व्यूअर्स जनरल है, तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, तो आप अपने पर्सन का नाम मनीमन दोहराइए। चलिए देखते हैं वो व्यक्ति जिसके साथ में आपका रिश्ता रहा है, ये चल रहा है, वो व्यक्ति आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन राइट नाउ इनको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त इनके बारे में, क्या चाहते हैं वो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या है उनके मन में। ओके सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड व्यूअर्स हमारे पास आया है थ्री ऑफ कप्स का। ओके नाउ वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके एंड वी हैव प्लानिंग। नंबर सेवन की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है, नंबर एट की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर फोर की एनर्जी है यहाँ पर हार्ट चक्रा की। ओके तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स देखूँ तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर थ्री, नंबर फोर, सेवन, एट ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। नंबर फिफ्टीन की एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए। ओके नाउ वी हैव नंबर फाइव, ग्रेट। नाउ वी हैव नंबर वन एंड व्यूअर्स अगेन नंबर वन की एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोगों के लिए नंबर वन काफ़ी स्ट्रांग हो। अगेन नंबर वन की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। सो व्यूअर्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नंबर ज़ीरो की, यानी फूल की एनर्जी लेके आए यहाँ पर आपके पर्सन आए हैं। सो मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट आपके लिए कर लेती हूँ, फिर मैं ये रीडिंग आपके लिए स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके व्यूअर्स, तो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन की स्थिति क्या चल रही है, उनके एनर्जीज में क्या आया है। ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की बिल्कुल ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये वो ही कोशिश कर रहे हैं जो नाकामयाब है, इनको भी पता है ये कोशिश इनकी नाकामयाब है। ये आपसे कितना ही दूर रहने की कोशिश कर ले पर होना इनको इसमें नाकामयाब है। क्यों? क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ व्यूअर्स, ये व्यक्ति राइट ना आपसे दूर रहने की चाहे जितने भी कोशिश कर रहे हैं बट याद आपको कर रहे हैं। फीलिंग आपकी है, इमोशनल लॉस आपके लिए फील कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारा कोई बड़ा यार वो अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई थी, जैसे कहते हैं ना कभी कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है और हम उस टाइम पर हम उसको, हमें लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी उतनी वर्थेबल नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। आपके पास में सपोज करो कि आया कोई ऑफर आया कि वो प्रॉपर्टी खरीद लो, उसमें तुम्हें फ़ायदा होगा। आज नहीं होगा लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हें फ़ायदा होगा। व्यक्ति को लगा कि आपको लगा कि यार राइट ना वहाँ पे कोई बसावट नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें कोई मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, मैंने उसे जाने दिया। लेकिन कुछ सालों के अंदर अंदर वो एनर्जी क्या है बनी है, वो जो प्लॉट है वो एकदम से वहाँ पर बसावट हो गई और उसकी वर्थ जो होगी लाख गुना बढ़ गई। अब मतलब अफसोस हो रहा है कि यार काश उस वक्त उसको जाने नहीं देते उस अपॉर्चुनिटी को। सेम आपके पर्सन की है, इस वक्त आप उनके लिए वही प्लॉट हो जो उनको वर्थेबल नहीं लग रहा था, जिसको लेके ये कोई फ्यूचर नहीं देख रहे थे। जैसे मतलब कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इस व्यक्ति के साथ में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, या ये व्यक्ति के साथ में मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि राइट नाउ कंडीशन अच्छी नहीं है कनेक्शन में। ठीक है, यानी कि उस समय कहीं ना कहीं प्रेजेंट में, जब आपका पास्ट बन चुका आज की डेट में, तो उस समय प्रेजेंट में आपकी जो कंडीशन थी आपके रिलेशनशिप की अच्छी नहीं चल रही थी। इस व्यक्ति को लगा कि भाई इसके साथ में मेरा रहना चलना उठना बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो चीज़ें इस व्यक्ति को उस समय नज़र नहीं है। लेकिन आज आपकी वर्थ जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, या फिर ये कहें इस व्यक्ति को आज बड़ा लॉस सा फील हो रहा है, काश मैंने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से जाने नहीं दिया होता। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर सबसे पहले फील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो
कुछ हो क्या रहा है। ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ ना एक समय बहुत ज़्यादा ये महसूस करें कि काश ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स अगर आप देखेंगे ना, तो हुआ यही है कि भाई देखो, ये जो डिसीजन लिया था आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में ना रखने का, ये भी कोई बहुत ऐसा नहीं जल्दबाजी में लिया था, बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन नज़र आ रहा है। ऐसा तो था नहीं कि इन्होंने कुछ चीज़ें देखी नहीं थी, समझी नहीं थी आपके रिलेशनशिप में या अदर प्रोस्पेक्टिव जो करंट सिचुएशन में थी। हर चीज़ को इस व्यक्ति ने देखा, सोचा, समझा, फिर ये एक्शन लिया था। लेकिन अभी क्या चल रहा है व्यूअर्स, अब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई एनर्जी नज़र आ रही है। अब देखो ये रीडिंग व्यूअर्स, देखो जो भी आ रहा है मैं आपको एज इट इज़ बता रही हूँ, मैं भी हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना हो। ऐसा नज़र आ रहा है या तो अपनी लाइफ में आप काफ़ी ग्रो कर चुके हो, स्टेबल हो चुके हो, स्टैब्लिश हो चुके हो। स्टेबल और स्टैब्लिश का मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है, तो उसको ब्रॉडर लेवल पर देखिएगा। मतलब या तो हो सकता है व्यूअर्स आप अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ गए हो कि मे बी किसी अनदर पर्सन के साथ में अटैच हो गए हो, या शादी हो गई है आपकी, या फिर आप अपनी लाइफ में खुश हो गए, अपनी फैमिली के साथ में खुश हो गए हो, या फिर अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकता हो गए हो। बट ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति ना, ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, पाना चाहते हैं। लेकिन वही मैं कहूँगी, वही प्लॉट वाला एग्जाम्पल अगेन रिपीट करूँगी, बट किस पे, किस कॉस्ट पे, उसी कॉस्ट पे जिस कॉस्ट पे इनको पहले आप मिल रहे थे। यानी वही सेम एनर्जी, उसी सेम सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, आपके पर्सन सेम उसी सिचुएशन पे आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या है, आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, समझ में आ रही है। आप इनर वर्क कर चुके हो, आप सेल्फ लव में आ चुके हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हो, आप इस व्यक्ति के साथ में अब उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं हो जिस तरह से कभी पहले हुआ करते थे, जिस तरह से आपकी टॉलरेशन थी, जिस तरह से आपकी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थी। तो ये कहीं ना कहीं उसी कॉस्ट पर आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन राइट ना आपके सामने अपनी जो कॉस्ट है उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्या कॉस्ट कॉस्ट कर रही हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती हो, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए रही हूँ मैं ये, ठीक है। कभी कभी कुछ समझाने के लिए, किसी की फीलिंग को समझाने के लिए ये चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं, ताकि आप समझ पाएँ। आपके पर्सन आज आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, बट वो आपकी कहीं ना कहीं जो एनर्जी है उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रही ना। अब आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा है, अब आपकी शर्तें हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, जैसे कि हर चीज़ को पहले इजीली एक्सेप्टेंस में ले आना, हर चीज़ को माफ़ कर देना, हर चीज़ को अनदेखा कर देना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं। तो आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो प्यार तो आपका पाना चाहता, पर वैसा ही प्यार पाना चाहता जैसा इनको कभी पहले आपसे मिल रहा था। अब इनको क्या लग रहा है कि इनको वैसा प्यार आपसे नहीं मिलेगा, समझ में आ रही बात आपको। यही है कि ये व्यक्ति इस समय खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल फिनिश, एकदम से फिनिश महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वो व्यक्ति इमोशनल लॉस के अंदर है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है, यानी वो प्यार जो आपसे मिल रहा था वो नहीं है इनकी लाइफ में, वो अंडरस्टैंडिंग जो आपसे मिल रही थी वो नहीं है इनकी लाइफ में। ये आपको लेके क्यों रिग्रेट में? क्योंकि इनको लग रहा आज इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे गलत निर्णय लिया, और वो निर्णय इनकी लाइफ में इनको कहाँ लेके आ गया, ठीक है। तो आज आपको व्यूअर्स अपनी लाइफ में ये व्यक्ति देखते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर, जैसे इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से नॉन एक्सेप्टेंस है। जैसे आप ये कह रहे हो कि अब मैं वो नहीं रहा जो तुम्हारे सामने कभी पहले हुआ करता था, नाउ आई एम कम्प्लीटली चेंज, ठीक है। अब वो गांव की लड़की या लड़का अब वो एक तौर तरीके सीख चुका है शहर के, समझ में आ रही नहीं, वो सीख चुका है कि लाइफ में लाइफ कैसे चल रही है, लोग यहाँ पे कैसे ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वो सीधा साधा नहीं रहा वो व्यक्ति, जिसकी मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सादगी जो थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, ब्लाइंडली मतलब जो भी किसी ने सामने वाले ने बोला उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपका दिमाग चलने लगा है, आप चीज़ों को जांचने लगे हो, परखने लगे हो कि यार ये व्यक्ति क्या लायक है कि इस पर हम ट्रस्ट कर सके, या ये व्यक्ति इस लायक है कि इसके साथ में हम रिलेशनशिप बना के आगे चल सके। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आपको पता है कि आपको किसके साथ में रिलेशनशिप रखना है, किसके साथ में नहीं रखना है। तो ये कुछ एनर्जीज़ है जो आपकी वर्थ को रिप्रेजेंट करती है, आपकी एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन क्या, यार उसी कॉस्ट में मिल जाए, तो वो तो नहीं हो सकता ना। कहीं ना कहीं इंसान वक्त के साथ में बदलता है, उसकी लाइफस्टाइल बदलती है, उसकी कहीं ना कहीं बहुत कुछ उसकी लाइफ में चेंज हो जाता है।
तो ये चेंजेस को रिप्रेजेंट करने वाली एनर्जी है कि चेंजेस के चेंजेस इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक बिल्कुल डाउन महसूस कर रहा है आज अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया और अपनी लाइफ में मैं बहुत पीछे रह गया। अगर मैं इस व्यक्ति के साथ में आगे चल रहा होता या इस व्यक्ति के साथ में मैंने अपना फ्यूचर प्लान किया होता तो मेरी लाइफ आज कहाँ से कहाँ होती। आज देखो हार्ट चक्रा की एनर्जी कहाँ आई है, फियर के साथ में आई है। इस व्यक्ति का दिल जो है वो डर में है, इस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो कैद हैं, ये अपने इमोशंस आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं या आपको ये नहीं बोल पा रहे कि यस आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था, मैंने गलत डिसीजन लिया था, मैंने तुम्हें नहीं समझा था, मैंने तुम्हें अपने लायक नहीं समझा था, लेकिन तुम तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो। तो ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी है ना, जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा लेकिन खुद में तो एक्सेप्टेंस है। कहते हैं इंसान दुनिया से पीछा छुड़ा सकता है लेकिन खुद से नहीं छुड़ा सकता, ये खुद से एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं। और आज इनको व्यूअर्स अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड भी वही दिखाता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना चाहता है, इस डर से बाहर निकलना चाहता है। ये डर नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि रिग्रेट भी है, फियर भी है लाइफ में, कहीं ना कहीं लॉस भी है, सफरिंग भी है, एक्सेप्टेंस भी है, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इस व्यक्ति की लाइफ में ये सब चीज़ें हैं कि आज आपके पर्सनल व्यूवर्स आपकी एनर्जी को देख के, आपकी लाइफस्टाइल को देख के, आपकी खुशियों को देख के, आप अपने आप को जैसे इस समय शो कर रहे हो, अपनी ब्यूटी को, अपनी लाइफ में, जो भी एक्सरसाइज कुछ भी कहूँ, बट येस यू आर मोर देन, ये कहूँ बल्कि आप उस व्यक्ति की जो उम्मीद है उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल और स्टेबल नज़र आ रहे हो आज की डेट में। अगर व्यूअर्स इस व्यक्ति की मैं बात करूं इच्छाओं की, तो ये व्यक्ति के अगर आप कार्ड्स देखेंगे, ये कार्ड्स आ रहे हैं 061 सीधे सीधे, और ये व्यक्ति इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, चाहते हैं आपके कनेक्शन में इनको अगर ये कदम आपकी तरफ बढ़ाएं तो विक्ट्री का बिगुल बजे, यानी वो आपकी तरफ अगर अपना प्यार लेके आए तो आप उनके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, आपसे ये चाहते हैं आपके पर्सन। मैंने अब जब रीडिंग स्टार्ट करी थी मैंने बोला था आपसे कि मैं देखूंगी कि वो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो चाहत उनकी क्या है व्यूअर्स, कि वो इसी इंतज़ार में है कि कब उनको आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्या आप उन्हें इस जो उन्होंने आपके साथ में किया है क्या आप उनके लिए उनको माफ़ कर देंगे, क्या आपको वो फिर से अपनी लाइफ में देख पाएंगे, क्या वो आपको फेस कर पाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि राइट नाउ मैंने बोला आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं ना जो लोग कहीं ना कहीं लाइफ में ओवरकम कर जाते हैं, बहुत मुश्किल समय से पार कर जाते हैं, उनके चेहरे पे अलग ही तेज नज़र आता है। तो आप लोग इस समय कहीं ना कहीं वो इंसान बन चुके हो जिसने बहुत बुरे से बुरा वक्त भी देखा, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस ने आपको काफ़ी मजबूत भी बना दिया है और उन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो आप लोग स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, मेंटली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, फिजिकली काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हो। तो ये एनर्जी रिवर्स है और आपकी एनर्जीज को देख के आपके पर्सन की जो एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत फीकी पड़ रही है, ये एनर्जीज में यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है, कहो तो बता दूँ। चलो बता देती हूँ, जिसको सुनना सुन लेना, नहीं सुनना हो तो जाने देना। कभी कभी ना कुछ चीज़ें इनिशियल स्टेज पे ना समझ में नहीं आती हैं, जस्ट लाइक अ सीड। यहाँ पे वही एग्जाम्पल मुझे सही से समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई सिर्फ एक सीड मिलता है तो आपको ये नहीं पता ये सीड किस चीज़ का है, अगर आपके पास में कोई नॉलेज नहीं है तो, है ना। अगर आप एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस पर्सन है तो अलग बात है। इफ़ यू आर अ रॉ पर्सन और आपको कुछ नहीं पता तो आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि भाई ये जो सीड है वो आपको कितनी क्या दे सकता है, इसका जो फ्रूट है वो कैसा होगा, इसमें कितनी ग्रोथ होगी, इसकी पावर क्या होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, मतलब सीड का जो है फ्यूचर क्या होगा, आप उन चीज़ों को नहीं बता सकते। सीड को आपने फेंक दिया, वही आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही कि ये व्यक्ति आपके साथ में जो फ्यूचर था ना, कि आप फ्यूचर में कैसे साबित हो सकते हो पार्टनर, कैसी लाइफ आपके साथ में हो सकती है, आपके पर्सन ने नहीं देखा। एनालाइजिंग पावर इस व्यक्ति की अच्छी नहीं है, आज आपके पर्सन उसी चीज़ को लेकर रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं, यार ये मैंने क्या किया। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके पार्टनर की इनको लेके और क्या फीलिंग है और क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। ओके, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। हाँ ओके, पेज ऑफ सोर्ड जस्टिस के साथ में आया, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन देखो पेज के साथ में अगर हम देखें जस्टिस की एनर्जी आ गई, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। पहले मैं कार्ड निकालूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं लाइफ के वही बात आ रही है यहाँ पे, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं ना एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन था या थी जो लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ एक पहलू को देख के ले बैठा या ले बैठी। यानी ये डिसीजन लेना, जैसे कहते हैं ना अक्सर हम लोग जो डिसीजन लेते हैं लाइफ के
अक्सर जो शादी शादी वगैरह के होते हैं वो माँ बाप क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये जो व्यक्ति है हमारे लिए सही रहेगा ये गलत रहेगा, क्योंकि वो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग चीज़ों को जांच परख के देखते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, आज के ज़माने में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। आज के ज़माने में पैसा पावर ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि हाँ भाई वो कितना कमाती है कितना कमाता है उस हिसाब से, या घर परिवार कैसा है इस हिसाब से लेके चीज़ें चली जाती है। आपके पर्सन ने भी यही चीज़ देख करके अपनी लाइफ का डिसीजन लिया, एज ए मैरिड इन्होंने आगे शादी की है तो यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन ने भी ये सब चीज़ें देखी, दूसरा एस्पेक्ट अपनी लाइफ का नहीं देखा। और आज आपके पर्सन के पास में व्यूअर्स हो सकता है पैसा है बट इमोशनल सपोर्ट नहीं है, ये व्यक्ति व्यूअर्स यही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कमी महसूस कर रहे हैं और आपके पर्सन ये चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। देखो मे बी अगर ये शादी कर चुके तो कम बैक करना बहुत मुश्किल है, नहीं है ना के बराबर है ना, लेकिन अगर शादी नहीं हुई व्यूअर्स तो ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ में एक न्यू जर्नी इस कनेक्शन की फिर से रीस्टार्ट हो और आपके साथ में इस कनेक्शन में उनको सक्सेस मिले, तो इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं मुझे थॉट नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये देखूंगी, जैसे देख पा रही हूँ जैसे ये व्यक्ति आपके साथ में एज के साथ में टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है तो आपके साथ में ब्राइट फ्यूचर आप देख पा रहे हैं जो पहले नहीं देख पा रहे थे, यानी उनको इस कनेक्शन में कम्प्लीट अबंडेंस नज़र आ रही है। एंड दे वॉन्ट टू से सॉरी, वो ये कह रहे हैं कि मैं भ्रमित हो गया था, मैं भ्रम में फंस गया था, मेरा विजन ब्रॉड नहीं था, मैं चीज़ों को बड़ी लेवल पे नहीं देख पाया, लेकिन आज मुझे काफ़ी रिग्रेट है अपने इस तरह के डिसीजन पे, सो आई वांट टू चेंज माय डिसीजन। तो ये आपके पर्सन जो है अपना डिसीजन यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। सो ऐसे आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। राशि देखो सब है, अगर मैं सारी राशियों की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक तो लियो राशि, मकर राशि, तुला राशि, पाइसिस राशि, ठीक है, और कैंसर राशि, ये राशि बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आल्सो, तो सारी एनर्जी आ गई। जो मेन राशि थी, जो मेन था फोकस, मैंने आपको वो भी बता दिया जो शुरू में आपको मैंने राशि बताई। सर ऐसे आपके लिए आपके पर्सन के थॉट क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, उनके उनके लव मैसेजेस, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश मी, अब इनको कुछ सच्चाई समझ में आ रही है, ठीक है, आपके पर्सन को कुछ सच्चाइयाँ समझ में आ रही हैं। जब सच्चाई इनके सामने आई है, कहते हैं ना कुछ चीज़ें बाद में समझ में आती हैं, समझ का फेर है, समझ का फेर है, तो जब समझ आ रही है तो इनको चीज़ें ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना क्रश कर रही हैं बहुत ज़्यादा, अंदर अंदर तोड़ रही हैं, वो एनर्जी है ये। यू एंड आई वर टू यंग, आप और आपके पर्सन काफ़ी यंग थे, मतलब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो भी था ना, मतलब ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मैंने क्यों बोला था वो पेरेंट्स वाला जो एग्जांपल देता ना, वो यही बोला था कि ये व्यक्ति इतना बड़ा डिसीजन अकेले कैसे ले सकते थे, इन्होंने भी वही चीज़ें फॉलो करी जो कहीं ना कहीं चल रही थी सोसाइटी वगैरह में, ये चीज़ों को बड़े लेवल पर नहीं देख पाए, जो इस समय मेंटालिटी बनी गई थी आजकल बनी पड़ी है लोगों की, वही मेंटालिटी को आपके पर्सन ने भी फॉलो किया है, तो इसलिए कह रहे थे मैं काफ़ी यंग था या यंग थी इसलिए मैं सही चीज़ों को सही से नहीं समझ पाया। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आप जैसा कोई हो नहीं सकता, आप जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता, आपके पर्सन अपने जो इमोशंस हैं, आपके जो कन्वर्सेशन है आप दोनों के बीच के, उसको बहुत बार रिपीट करते हैं, मे बी आपने इनको कुछ बोला हो, कुछ आप दोनों के बीच में बातें हुई हो, किसी तरह की कोई कन्वर्सेशन हुई हो, तो ये उन चीज़ों को बार बार याद करते हैं कि यार वो ये वाली बात बोल रही थी, उसने कहा था ऐसा होगा, उसने कहा था तुम देखो पछताओगे, वही हो रहा है, तो रिप्ले कहीं ना कहीं हो रही है बातें, ठीक है। रिग्रेट व्हेन यू लेफ्ट, जब आप इनके लाइफ से चले गए हो तो ये काफ़ी रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, काफ़ी टूट गए हैं, बेसिकली क्या है टूट गए हैं, आई रिग्रेट, रिग्रेट यहाँ पे भी है जब आप चले गए, रिग्रेट इसलिए भी है क्योंकि आपसे झूठ बोला इस व्यक्ति ने, यानी अगर इस व्यक्ति ने शादी भी करी है, हो सकता है शादी करी हो सकता है किसी और के साथ में रिलेशनशिप बनाया हो, या फिर आपको कुछ झूठ बोले हो, तो भाई उसको लेके भी रिग्रेट है कि काश वो आपको आपके लिए के इनकी जो फीलिंग थी, मे बी हो सकता है कि आपको इस व्यक्ति की फीलिंग का पता ही नहीं था, आप एक्सपेक्टेशन लग रहे थे कि भाई ये व्यक्ति आपसे शादी करेगा, पर सामने वाले की नहीं थी इंटेंशन, वो सिर्फ आपके साथ में फ्लर्टेशियस एनर्जी में था या थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि उनको साफ साफ आपको बता देना चाहिए था। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, अब कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है ये उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला था ना नाकामयाब कोशिश है आपसे, दुनिया कहीं ना कहीं जो भी बना रहे हैं लेकिन आपको याद बहुत कर रहे हैं, तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि हाँ देखो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं कि इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि यार अब कुछ हो नहीं सकता, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुका है या काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, अब मेरे पास में सिर्फ रिग्रेट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है, तो ये चीज़ें भी हैं, कहीं ना कहीं इस पेन से भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं कि
कि इस दर्द से भी नहीं निकल पा रहे हैं, कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके लाइफ से कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हो। ये भी एक तरह का शौक इस व्यक्ति की लाइफ में नज़र आ रहा है। तो यह व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए राइट नाउ, कि अगर आपको मिली इस रीडिंग से क्लैरिटी तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।